न्यूज हेल्पलाइन चैनल में हम खड़े इस वक्त दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा में, जहाँ पे की भाजपा युवा मोर्चा की रैली निकाली गई केजरीवाल सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके विकास के काम के खिलाफ। तो इनसे बात करेंगे। मैं कृष्णा नगर मंडल से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। सर आज आप लोगों ने आपको मैं पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली की इतनी भोली भाली जनता को मूर्ख बनाता है, मूर्ख समझता है, और ये समझता है केजरीवाल कि ये जो हमारी जनता है इस बार फिर उसके झांसे में आ जाएगी। अब देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना, ये आप सबको पता है, सब अच्छी तरह समझते हैं कि ये सब चुनाव के लिए कर रहा है। इसे 450 क्यों नहीं किया? आपने देखा बिजली का टैरिफ इसने बढ़ाए नहीं, लेकिन फिक्स चार्जेस के नाम पर इसने इतना पैसा लूटा है, इतना पैसा लूटा है, और अब 200 यूनिट के लिए देखिए उसके ऊपर मल्लम लगा रहा है। वो जो जख्म दिए उसके ऊपर मल्लम लगा रहा है। ये मल्लम लगाने वाली राजनीति हो रही है। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा क्या समझते दिल्ली के विकास को? साफ पानी दे न सके जो वो सरकार, जहरीला पानी आ रहा है, बीमारियाँ हो रही हैं, और उसके बाद हम लोग जब उसको आगाह करने आते हैं तो उस पर हमारे को आगाह होने के लिए वो कोई रिपोर्ट हमको नहीं देते। पानी जमा करते हैं कोई उसकी रिपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ सड़क पर खड़े हुए 500 मीटर आगे जाके आगे सड़क कोई स्कूटर वाले को पेट्रोल गिर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। अब चुनावी हथकंडे के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांटी जा रही हैं, सरकारी पैसे से बैनर लेके जा रहे हैं, जनता को जो आप देखिए जनता गुमराह है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस बार चुनाव में क्या लगता है सर, क्या होगा और किस तरीके से आप लोग? देखिए चुनाव में जो है ये केजरीवाल की पोल खुल रही है धीरे धीरे, जो वादे करके केजरीवाल आए थे उसमें से आखिरी दिनों में ये लीपा पोती करके दिखा रहे हैं, मैं पूरे कर रहा हूँ। 4.5 साल ये कहते रहे कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, राज्यपाल काम नहीं कर रहे, आज वही चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अखबारों में हवा बना रहे, विज्ञापन करोड़ों रुपए के दे रहे हैं, विकास कहीं दिख नहीं रहा, सड़कें पूरे 4.5 साल टूटी रही, आज कुछ सड़कें बना के दिखाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, और पानी जो गंदा आ रहा है उसे फ्री में दे के जनता को बरगला रहे हैं। बिजली के नाम पे, फ्री चार्जेस के नाम पे 6,000 करोड़ रुपये लूटने के बाद अब 200 यूनिट बिजली फ्री देके ये जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, इनके झांसे में नहीं आने वाली, और आने वाले चुनाव में इनका बोरियां वित्र बांध कर इन्हें वापस देंगे। बिजली के लिए नोटिफिकेशन आया है कि देखिए ये नोटिफिकेशन मार्च तक ही है जब तक इसकी सरकार है, और लेकिन जो 6,000 करोड़ रुपये फ्री चार्जेस के नाम पर इन्होंने वसूले हैं वो बिजली कंपनियों की जेब में गए और इनडायरेक्टली इनकी जेब में पहुंचे हैं, उसकी वसूली की कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ फौरी तौर पे 200 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें राहत है, ये दिल्ली की जनता के साथ। मैम आप क्या समझते हैं, एक महिला के नाते विकास तो नहीं देखा, क्योंकि जो भी है सब कुछ फ्री यहाँ पे दिख रहा है, और फ्री से कोई यहाँ पे वो नहीं हो रहा है कि हमें बहुत खुशी है। नहीं हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ये चीज़, हमसे पैसे ले लो बट हमें एटलीस्ट सीट तो दो बैठने के लिए, बस में तो एंट्री दो, बस में भी एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। आज हमने नाम सुंदर चौधरी है, जो मुख्य आज हमने ये जो नाकामी रही है 5 साल में इसको होने के लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है। 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने वादे करे थे, हम युवाओं से करे थे कि हम आपको 20 पुलिस देंगे, क्या एक पुलिस खुला गया? 500 स्कूल खोलेंगे, क्या एक स्कूल खोल के दिया गया? उन्होंने कहा हम आपको फ्री वाईफाई देंगे, क्या वाईफाई मिला गया? उन्होंने अनेकों वादे करे कि 8 लाख हम रोजगार देंगे, रोजगार दिए क्या? सीसीटीवी कैमरे देंगे, महिला सुरक्षा, कुछ नहीं किया। अगर बदले में दिया तो हमें गंदा पानी दिया, और हमारी वोट से JNU के उन गद्दारों को जो देशद्रोही जो नारे लगाते हैं उनका समर्थन किया। सर क्या समझते हैं दिल्ली में जो इस वक्त हालात हैं, क्या लगता है कि गंदे पानी के हर क्षेत्र बेहाल है, तो दिल्ली की सरकार इस बार क्या दिल्ली की जनता को वोट लगा? दिल्ली की जनता को मैं तो फ्री भारतीय दिल्ली को सभी जा रहा है कि वोट दिया जाए, लेकिन दिल्ली की जनता
जनता जाग गई है, उठ चुकी है, वो कह रही है हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए, हमें जॉब के अपॉर्चुनिटीज चाहिए। क्या जॉब नहीं मिली वहीं पर है, कोई जॉब नहीं मिली, जाऊँगा बस में दबा के लिए इतना खाने मार देते हैं कि हरियाली है वहाँ पे, हो गई वहाँ जग गई, वहाँ जगह जल गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये दिल्ली की वो जनता है जो बता रही है केजरीवाल सरकार के 5 साल कैसे रहे। गंदा पानी देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अब तो ये स्पष्ट है। आप